हम लोग भागवत कथा के लिए उपस्थित हुए हैं। पहले तो ये जाने कि कथा क्या होती है। कथा और कहानी में अंतर होता है। आजकल कहानियां ज्यादा हो रही है कथाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर आर्केस्ट्राएं हो रही हैं। कथा भी होनी चाहिए और कथा के साथ साथ आनंद भी होना चाहिए। कथा अपने आप में आनंद है, अब उसमें बाहर से आनंद मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे गाय का दूध अपने उसमें शक्कर मिलाएंगे तो फिर वो दूध नहीं रह पाएगा, फिर वो शक्कर हो जाएगा, डायबिटीज का कारण बन जाएगा। भगवान की कथा और उसमें भी भागवत की कथा, ये तो देव दुर्लभ कथा है। कथा किसे कहते हैं? हमारे यहां एक एक अक्षरों के अर्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं, वर्णों के अर्थ हैं। कथा शब्द में दो अक्षर है, क और थ, यही है ना। तो क का मतलब क्या होता है? तो हमारे यहां एकाक्षरी कोश में यह बताया गया कि क शब्द के चार अर्थ हैं। क माने रस, क माने सुख, क माने आनंद और क माने परमात्मा, जिसके सुनने के बाद हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति हो जाए, हमारा जीवन सरस हो जाए, सरल हो जाए, तरल हो जाए, नवल हो जाए, धवल हो जाए, अमल हो जाए, विमल हो जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, मधुर हो जाए, माधुर्य आ जाए, मधुरिमा आ जाए, महिमा आ जाए, गरिमा आ जाए, जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन में सुख का अनुभव होने लगे, जिसको सुनने के बाद हमारे जीवन में परमात्मा की स्थापना हो जाए, हमारे हृदय में भगवान बैठ जाए, ऐसा लगे कि भगवान मेरे सामने विराजे हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप समझिए कि हम कथा सुन रहे हैं। अगर कथा में भी बैठकर हम संसार की व्यथा की बात करें, सास बहू के झगड़े की चर्चा करें, तो अन्यथा न माने वो कथा नहीं है, वो व्यथा और वृथा है। क्योंकि कथा में सब कुछ है, कथा में दर्शन है, कथा में विज्ञान है, कथा में समाज शास्त्र है, कथा में एक पिता का क्या कार्य होना चाहिए, एक पति का क्या कार्य होना चाहिए, एक पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, एक बहू का क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या धर्म होना चाहिए, ये सब कथाओं में वर्णित है। बाहर से कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं। तो कम ब्रह्म है जो हमारे हृदय में ब्रह्म की स्थापना कर दे। थापयति, क और था माने थापयति, अस्थापयति, स्थापित कर दे, प्रवेश करा दे, हमारे हृदय भवन में भगवान को प्रकट कर दे, उसी का नाम है कथा।